जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं एमके एक्सपर्ट। और पिछले दिन हम लोग इंटीग्रेशन को देख रहे थे, जिसमें आप लोग को इंटीग्रेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, जैसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का विपरीत होता है, और उसका जो कुछ फार्मूला था उस पर हम लोग बात कर लिए थे डिफरेंशिएशन के फार्मूला पर। और आपको ये भी बताए थे कि यदि डिफरेंशिएशन के सभी फार्मूला को आप उलट देंगे तो टोटल का टोटल इंटीग्रेशन का फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो आज उन सारे फार्मूला को सबसे पहले हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये फार्मूला जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप गणित पढ़ रहे हैं और आपको फार्मूला ही नहीं मालूम है तो फिर गणित पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि पूरा का पूरा जो गणित है आपका फार्मूला पर बेस्ड होता है। ठीक है, इसलिए आप जब गणित पढ़ रहे हैं तो आपको पूरा का पूरा फार्मूला मालूम होना चाहिए। देखिएगा, यहां से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यदि कोई भी फंक्शन आपका होगा x के पावर n के रूप का, यानी कोई भी बहुपदीय फलन है होल पावर वाला है, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जितना पावर में रहेगा उसमें एक जोड़ कर उतना ही से भाग कर दीजिएगा, प्लस c लिख दीजिएगा, तो आप उसका इंटीग्रेशन आसानी से प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, दूसरा आपका है कि यहां देखिएगा सीधे dx का इंटीग्रेशन कितना के बराबर होगा, तो x प्लस c, x प्लस c के बराबर। अब आपके दिमाग में ये छोटा सा चीज चल रहा होगा कि यहां पर तो कोई फंक्शन है नहीं, सीधे dx है, तो उसका इंटीग्रेशन x के बराबर कैसे। ठीक है, तो इसके लिए हम आपको क्लियर कर दें कि जब वहां कुछ नहीं है तो एक जरूर है। कुछ नहीं है तो कितना है बाबू, एक, यानी वन dx। और एक क्या है, तो एक है x के पावर जीरो इंटू x, यही ना है। एक क्या है, तो किसी भी संख्या का पावर यदि जीरो करते हैं तो उसका मान एक के बराबर आता है, तो यही एक जो है x के पावर जीरो है। अब यदि हम आपको कहे कि x के पावर जीरो का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x के पावर जीरो का जो इंटीग्रेशन होगा वह क्या करना है कि पावर में एक जोड़ कर और उतना ही से यदि हम भाग कर देंगे तो बन जाएगा इसका इंटीग्रेशन। जीरो में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा, एक, यानी एक्स के पावर एक बट्टा में एक प्लस सी, एक्स के पावर एक यानी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यदि आपका सीधे डीएक्स रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन कितना के बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा। चलिए, वन बटा एक्स है तो वन बटा एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग एक्स के बराबर। वन बटा एक्स का इंटीग्रेशन होगा लॉग एक्स के बराबर, प्लस सी जरूर लिखिएगा। ठीक है, अगला आपका है साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, फिर आपका है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है साइन एक्स और प्लस सी। यहां देखिएगा, सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है टेन एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन यदि बोले होंगे तो ये हमारी भूल है, इंटीग्रेशन है, टोटल क्या है, इंटीग्रेशन चल रहा है ना। तो यहां देखिएगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा टेन एक्स, और यहां कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। आगे बढ़ जाते हैं तो देखिए, यहां पर सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन है सेक एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा सेक एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन है माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई के पावर एक्स प्लस में सी, यानी ज्यों कहते हैं ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ज्यों कहते हैं उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ए के पावर एक्स का इंटीग्रेशन होगा ए के पावर एक्स का इंटीग्रेशन होगा ए के पावर एक्स बटा में लॉग ई के पावर ए, ए के पावर एक्स बटा में लॉग ई के पावर ए प्लस सी। अब आइए इनवर्स वाले फंक्शन को देख लेते हैं थोड़ा सा। वन बटा में रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर है, वन बटा में रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, यदि आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी के बराबर आएगा, या आप इसको डिफरेंशिएशन से भी याद रख सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, तो वन बटा में रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका वन बटा में रूट अंडर वन माइनस वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, यदि इसी में केवल माइनस लगा दिया जाए यानी माइनस वन बटा में रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, यदि देखें तो वन बटा में वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टेन इनवर्स एक्स, कितना होता है टेन इनवर्स एक्स, इसी में केवल माइनस लगा दिया जाएगा तो कॉट इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा। वन बटा में एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसका इंटीग्रेशन होता है सेक इनवर्स एक्स, क्या होता है सेक इनवर्स एक्स, और यदि केवल इसी में माइनस लगा दिया जाए तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी के बराबर, और यहां हो जाएगा एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन का यदि इंटीग्रेशन करेंगे तो वही हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स के बराबर, यानी सेक वाला में माइनस लगाएंगे तो कॉसेक बन जाएगा,
कॉट टेन वाला में माइनस लगाएंगे तो कॉट इनवर्स बन जाएगा, साइन वाला में माइनस लगाएंगे तो कॉस इनवर्स बन जाएगा, ठीक है। तो ये था इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला, मतलब जिसका डिफरेंशिएशन होता है, तो जिसका डिफरेंशिएशन होता है उसी का आप इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो उसके लिए ये बेसिक फार्मूला है, और समाकलन का ये पूरा का पूरा बेसिक फार्मूला है। और भी कुछ फार्मूला आगे आने वाला है जिसको हम लोग बारी बारी से बात करेंगे, जब जिसकी ज़रूरत होगा तब उसका प्रयोग करेंगे और उसको देखेंगे भी, ठीक है। फिलहाल आपके लिए इतना फार्मूला अच्छा है, आप इतने फार्मूला को अपने आप में कंट्रोल करके रखेंगे तो आपका बेसिक जितना भी क्वेश्चन है वो टोटल क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, कुछ और मेन चीज़ें जो हैं आपको इसमें बताना है इंटीग्रेशन वाला में। सबसे पहली चीज़ क्या होता है कि जब आप इंटीग्रेशन बनाते हैं तो इसमें एक आता है आपका प्रतिस्थापन विधि, जिसकी ज़रूरत अभी है हमें, यानी कुल मिलाकर कहा जाए को पूरा का पूरा इंटीग्रेशन जो है उसी पर आधारित होता है, ठीक है। यदि पूरे के पूरे इंटीग्रेशन की बात करें तो पूरा का पूरा इंटीग्रेशन उसी पर आधारित होता है। तो हम सबसे पहले इसी पर बात कर लेते हैं कि यदि आपका कोई इंटीग्रेशन का सवाल है, ठीक है, जिसके जो जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन संभव नहीं है, यानी जो डायरेक्ट फार्मूला पर बेस्ड नहीं है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो मानकर इंटीग्रेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो जब मानकर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो आखिर मानेंगे किसको, ठीक है। एक सवाल है कि यदि कोई भी आपका फंक्शन ऐसा है जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन संभव नहीं है, यानी सीधे सीधे फार्मूला पर बेस्ड नहीं है, तो वैसे कंडीशन में आपको इंटीग्रेशन के फंक्शन को मानना पड़ता है। तो बात आती है कि आखिर मानेंगे किसको, यही सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। और जब आपके सामने इंटीग्रेशन का सवाल आता है तो आपके सामने यह समस्या बनकर पहले खड़ा रहता है कि आखिर हम मानेंगे किसको। तो अभी यह समस्या बिल्कुल सॉर्ट हो जाएगा, आप आसानी से पूरे के पूरे सवाल को आसानी से समझ भी सकते हैं और ये दिमाग में बैठा सकते हैं कि किसको मानेंगे, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, पहला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, पहला कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्या याद रखना है देखिएगा, जैसे कोई फंक्शन ऐसे रहेगा होल पावर वाला, ठीक है, फंक्शन यदि आपका होल पावर वाला रहेगा, होल पावर वाला फंक्शन रहेगा, तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, आपको क्या करना है कि पावर को छोड़ देना है, पावर को छोड़ देना है, पावर को छोड़ देना है, और जो उसके बेस में रहेगा यानी जो उसके आधार में रहेगा, यदि कोई फंक्शन होल पावर वाला है, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि उसके पावर को छोड़ देना है और जो उसके बेस में रहेगा यानी जो उसके आधार में रहेगा उस आधार वाले फंक्शन को मानना है। किसको मानना है, तो इस आधार वाले फंक्शन को मानना है, ठीक है। आसानी से समझ में आ गया होगा, जैसे मान लीजिए कि यहां पर आपका है 2x प्लस 5 के पावर में 4। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसमें देखिए होल पावर वाला है तब पावर को छोड़ देंगे और जो आपका आधार में रहेगा उस आधार वाले फंक्शन को क्या करेंगे, मान लेंगे, आधार वाले फंक्शन को मान लेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहां लिखा हुआ है आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो देखिए होल स्क्वायर वाला फंक्शन है तो इसमें क्या करना है कि पावर को छोड़ देना है और जो उसके आधार में रहेगा बस आधार वाले फंक्शन को क्या करेंगे, मान लेंगे। मानने के बाद क्या करना है आपको आगे बताएंगे, अभी सिर्फ इतना देखना है कि किसको मानना है, ठीक है, तो आधार वाले फंक्शन को मान लेंगे। जैसे और कुछ देखिएगा, मान लीजिए कि यहां लिखा है 5x² + 7x + 3 और इसका लिखा हुआ है पावर में 5, पावर में कितना लिखा हुआ है 5, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, जो उसके पावर को छोड़ देना है और जो आधार में रहेगा उस आधार वाले फंक्शन को क्या करेंगे, मान लेंगे, आधार वाले फंक्शन को मान लेंगे। जैसे ये जो आधार वाला फंक्शन है इसको मान लेना है और मानकर क्रिया करना है। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। दूसरा कॉन्सेप्ट, यदि कोई फंक्शन रूट के अंदर में है, यदि कोई फंक्शन रूट के अंदर में है, ठीक है, तो रूट के अंदर वाले फंक्शन को क्या करेंगे, हम लोग मानेंगे, किसको मानेंगे, तो रूट के अंदर में जो फंक्शन रहेगा उस रूट के अंदर वाले फंक्शन को मान लेना है। जैसे मान लीजिए कि रूट अंडर साइन एक्स, अब ध्यान से देखिएगा,
जब रूट अंडर साइन एक्स है तो रूट के अंदर में क्या दिख रहा है आपको, साइन एक्स, तो रूट के अंदर वाला को मान लेंगे। जैसे मान लीजिए रूट अंडर ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, तो जो फंक्शन रूट के अंदर में आपको दिख रहा है रूट के अंदर वाले फंक्शन को क्या कर लेना है, मान लेना है। तो इसमें किसको मानेंगे, ए एक्स प्लस बी को मानना पड़ेगा। किसको मानना पड़ेगा बाबू, ए एक्स प्लस बी को। अगला देखिएगा तीसरा, जो बटा में रहेगा उसी को मानना है। किसको मानना है, तो जो बटा में रहेगा उसी को मानना है। किसको मानना है, जो बटा में रहेगा उसी फंक्शन को मानना है, यानी बटा वाले फंक्शन को क्या कर लेना है, मान लेना है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर लिखा हुआ है आपका साइन एक्स, साइन एक्स बटा में कॉस एक्स, साइन एक्स बटा में कॉस एक्स, तो किसको मानेंगे, बटा वाला को मान लेंगे। ठीक है, किसको मानेंगे, बटा वाला को मान लेंगे। या फिर ऐसा लिखा हुआ है फाइव एक्स प्लस टू बटा में दस एक्स प्लस, सॉरी यहां लिखा हुआ है आपका फाइव, मान लीजिए क्या लिखा हुआ है, रूट अंडर थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टू, तो इस समय किसको मानना पड़ेगा, बट्टा वाला को। ठीक है, बट्टा वाला में भी रूट है तो रूट के अंदर वाला को मानना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, चलिए देखिए अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। चार नंबर, यदि मान लीजिए कि कोई त्रिकोणमितीय फलन है, कोई भी त्रिकोणमितीय फलन है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस, कोई भी त्रिकोणमितीय फलन है, और उसमें जो है त्रिकोणमितीय फलन के गुणांक में एक्स के अलावा, एक्स के अलावा, यदि एक्स है तब तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, लेकिन यदि एक्स के अलावा कोई और दूसरा फंक्शन है तो आपको क्या करना है कि उस कंडीशन में ये जो आपको दिख रहा है त्रिकोणमितीय अनुपात के गुणांक में, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात के गुणांक में बस उसी गुणांक वाला को क्या करना है, मान लेना है। किसको मानना है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात के गुणांक में जो रहेगा बस वही गुणांक वाला को क्या करेंगे, मान लेंगे। आगे चलेंगे, जैसे मान लीजिए यहां लिखा है कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो इस कंडीशन में किसको मानना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर को। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है साइन रूट अंडर एक्स प्लस टू, यहां पर किसको मानेंगे, तो मानना है आपको कोणांक वाला को, यानी रूट अंडर एक्स प्लस टू को। समझ में आ रहा है, चलिए अगला पांचवा, यदि फंक्शन एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल बोले तो ई के पावर वाला कोई फंक्शन है, तो जब कोई फंक्शन ई के पावर वाला रहेगा तो ऐसे कंडीशन में जो ई के पावर में रहेगा, जो ई के पावर में रहेगा उस ई के पावर वाले फंक्शन को क्या करना है, मान लेना है। किसको मानना है, तो जो ई के पावर में रहेगा बस वही e के पावर वाले फंक्शन को मान लेना है। जैसे मान लीजिए कि आपका रहेगा e के पावर में x के पावर 5, तो क्या करेंगे कि e के पावर में जो रहेगा उसी को क्या करना है, मान लेना है। e के पावर में जो रहेगा उसी को मान लेना है। चलिए तो e के पावर वाला हो गया। छठा कंसेप्ट देखिएगा, छठा, यदि कोई आपका फंक्शन लॉग वाला है, यानी लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन के जो गुणांक में होगा, जो गुणांक में वैल्यू होगा बस वही गुणांक वाला वैल्यू को क्या करना है, मान लेना है। लॉगरिथमिक फंक्शन के जो गुणांक में वैल्यू होगा बस यही गुणांक वाला वैल्यू को क्या करेंगे, मान लेंगे। और आपका सातवां कॉन्सेप्ट कहता है कि यदि एक्स के साथ कोई भी कांस्टेंट आ जाए, फंक्शन के साथ यदि कोई कांस्टेंट गुना में लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है, कांस्टेंट को बाहर करके उसका इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, कांस्टेंट को बाहर करके उसका इंटीग्रेशन करना है, कांस्टेंट को हटा के और जो फंक्शन होगा सिर्फ और सिर्फ फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। समझ में आ गया, यानी कांस्टेंट को बाहर करके इंटीग्रेशन करना है। जब आप कांस्टेंट को बाहर कर दीजिएगा तभी आप इंटीग्रेशन कर पाइएगा आसानी से। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि ये 6-7 कॉन्सेप्ट आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं, यदि फंक्शन होल पावर वाला है तो पावर को छोड़ देंगे, आधार वाला को मानेंगे। रूट वाला फंक्शन है तो रूट के अंदर में जो रहेगा उसको मानेंगे। यदि बटा वाला फंक्शन है तो बटा में जो रहेगा उसको मानेंगे। यदि कोई त्रिकोणमितीय अनुपात है तो उसके गुणांक को मानेंगे। यदि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ई के पावर वाला को मानेंगे। यदि लॉगरिथमिक फंक्शन है तो लॉग के गुणांक में जो रहेगा उसको मानेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। और यदि सातवां कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो ये कहता है कि जो उसके साथ एक्स्ट्रा कॉन्स्टेंट दिख रहा है उस कॉन्स्टेंट को बाहर करके तब जाकर आपको क्या करना है,
इंटीग्रेशन करना है। आइए अब हम आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे, सीधे सवाल की तरफ ले चलेंगे। वक्त मेरे पास थोड़ा सा कम है, समय पर सिलेबस कंप्लीट करना है, इसलिए आप लोग को जो है ज्यादा देरी ना करते हुए सीधे सीधे आपके सिलेबस की ओर लेकर चलेंगे आपको, कि सवाल किस तरीके से आपके सिलेबस में पूछा गया है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन को देखने वाले हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि अभी हम बात करते हैं केवल वैसे फंक्शन की जो फंक्शन आपका x के पावर के रूप में आता है। जैसे मान लीजिएगा इंटीग्रेशन करना है x के पावर 8 इंटू डीएक्स, x के पावर 8 इंटू डीएक्स। तो समझिएगा, अभी आप देखें सबसे पहला फार्मूला, फार्मूला नंबर 1 पर सभी लोग नजर डालिएगा, तो वहां देखिएगा कि आपका लिखा हुआ है कि यदि कोई फंक्शन x के पावर के रूप का है, x के पावर यानी होल पावर वाला है, तो जब होल पावर वाला फंक्शन है तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है कि इसका इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखना है, पावर जितना रहेगा उसमें एक बढ़ा देना है। तो पावर 8 है, 8 में एक बढ़ाएंगे तो कितना होगा 9, और उतना ही से भाग कर देना है, प्लस सी लिखना है, यानी इसका हो जाएगा 1/9 इंटू एक्स के पावर 9 प्लस सी। जितना पावर में रहेगा उसमें एक बढ़ा देना है और उतना ही से भाग कर देना है, तो आपका इंटीग्रेशन बन जाएगा। चलिए दूसरा सवाल, जैसे मान लीजिए यहां लिखा हुआ है 8x के पावर 5 प्लस 3x, ठीक है, प्लस 3x इंटू dx। देखिएगा यहां, देखिए फंक्शन आपका जो है जोर और घटाव में है। हाँ, दूसरी बात कि यदि फंक्शन आपका जोर और घटाव में है तो आपको क्या करना है कि उसको अलग अलग करके इंटीग्रेशन करना है, यानी जोर में है तो अलग अलग कर देना है और तब उसका इंटीग्रेशन करना है। तो जैसे देखिएगा, जब इसको अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, 8x के पावर 5, 8 कांस्टेंट है और आपको बोले हैं कि कांस्टेंट को क्या कर देना है, बाहर कर देना है, तो 8 बाहर आ जाएगा, एक्स के पावर 5 इंटू डीएक्स प्लस 3x है, 3 कांस्टेंट है बाहर कर देंगे तो क्या होगा, एक्स इंटू डीएक्स। देखिएगा 8 इंटू एक्स के पावर में 5 है ना, तो इसका इंटीग्रेशन करना है ना, तो जब फंक्शन होल पावर वाला होता है तो क्या करते हैं कि जितना पावर में रहता है उससे एक बढ़ाकर उतना ही से भाग करते हैं। तो पावर में है 5, एक बढ़ाएंगे तो होगा 6 और उतने से भाग कर देंगे, प्लस 3 इंटू, यहाँ देखिए पावर में है 1, एक बढ़ाएंगे तो 2 और बट्टा में 2, प्लस सी, यानी कटने वाला है तो काट दीजिए, 2 का पहारा से 4 बार और 2 के पहारा से 3 बार, तो कितना हो जाएगा आपका 4/3 इंटू एक्स के पावर में 6 प्लस 3/2 इंटू एक्स के पावर में 2 प्लस सी। ठीक है, देख लीजिएगा आसानी से इंटीग्रेशन बन गया, नोट कर लीजिएगा, एक दो क्वेश्चन आप लोग भी करके देखिएगा। ऐसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, यानी जो होल पावर वाला था, एक्स के पावर वाला जितने भी क्वेश्चन थे लगभग सबको कंप्लीट कर लिए थे। आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ नए क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिएगा सभी लोग, जल्दी से जल्दी सभी लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका क्या कहता है, कुछ किताब का सवाल हम लोग लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिएगा सवाल आपका है, मिटा लेते हैं इसको, देखिए क्वेश्चन आपका है इंटीग्रेशन 4x के पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इंटू डी एक्स, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। क्या करेंगे, जोर घटाव में है, चले कोई बात नहीं, अलग अलग कर दीजिए। हाँ, पहले आप मानिएगा, माना i बराबर, यदि दिया हुआ है i बराबर तो कोई बात नहीं, और यदि नहीं दिया हुआ है तो आपको माना लेना है कि i बराबर। देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका 4 बाहर करेंगे तो कितना होगा, x के पावर 3 इंटू डी एक्स प्लस, 3 तो कांस्टेंट है बाहर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस, 2 कांस्टेंट है बाहर कर दीजिए, एक्स डी एक्स प्लस, 4 कांस्टेंट है बाहर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, सीधे dx। चलिए 4 ज्यों का त्यों, पावर में कितना है 3, तो एक बढ़ा के उतना ही से भाग, तो 3 है तो एक बढ़ा दीजिए 4, उतना ही से भाग, प्लस 3 इंटू, पावर में कितना है 2, एक बढ़ा के उतना ही से भाग, प्लस 2 इंटू, पावर में कितना है 1,
एक बढ़ा के उतना ही से भाग प्लस फोर, आ सीधे dx का तो x होता है ना प्लस c। देखिए दो से दो कट गया, तीन से तीन कट गया, चार से चार कट गया, कितना हो जाएगा x के पावर फोर प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सी। ठीक है, सवाल आपका बन चुका है, नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक एक क्वेश्चन को नोट करते हुए चलिएगा। अगले सवाल को देखते हैं, कुछ इसी टाइप का सवाल अभी हम लोग देखेंगे जो आपके बुक का सवाल है। ठीक है, हाँ थोड़ा साइड बुक है, जैसे केसी सिन्हा का ये क्वेश्चन है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ थोड़ा सा आप देखते रहिएगा, सवाल का टाइप है, मिटाते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अब अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है देखिए। अगला सवाल आपका है इंटीग्रेशन एक्स के रूट एक्स इंटू एक्स के पावर थ्री बाई टू माइनस सेवन इंटू एक्स के पावर फाइव बाई टू प्लस नाइन एक्स के पावर सेवन बाई टू इंटू डी एक्स, यही है ना इंटू डी एक्स। चलिए देखिए, आपको बताया है कि रूट का मतलब होता है पावर में वन बाई टू। ठीक है, रूट का मतलब होता है पावर में वन बाई टू, तो यहां लिखेंगे माना आई बराबर कितना हो जाएगा एक्स के पावर वन बाई टू। गुना में है तो यदि संभव हो तो सबसे पहले आप गुना कर लीजिए, क्योंकि गुना में अभी आप किसी इंटीग्रेशन को नहीं बना सकते। हाँ तो क्या करना है आपको, सबसे पहले इसको गुना कर लेना है। तो देखिएगा एक्स के पावर वन बाई टू है, यहाँ एक्स के पावर थ्री बाई टू है, माइनस सेवन इंटू एक्स के पावर फाइव बाई टू प्लस नाइन इंटू एक्स के पावर सेवन बाई टू इंटू डी एक्स। और जब आप इसमें वन बाई टू एक्स के पावर वन बाई टू से गुना करेंगे तो क्या होगा, आधार समान है तो गुना में घात को जोड़ेंगे नहीं, तो यहाँ पर डेढ़ है आधा, तो डेढ़ आधा कितना हो जाएगा दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस सेवन, फाइव बाई टू का मतलब होता है अढ़ाई, अढ़ाई में आधा जोड़ेंगे तो कितना होगा तीन, यानी हो जाएगा एक्स के पावर थ्री प्लस नाइन इंटू सात बट्टा दो का मतलब होता है साढ़े तीन, यानी तीन दशमलव पाँच, और तीन दशमलव पाँच में यदि हम जीरो दशमलव पाँच जोड़ेंगे तो कितना होगा चार, अरे साढ़े तीन में आधा जोड़ेंगे तो चार नहीं होगा, यानी एक्स के पावर चार इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स, अलग अलग कर दीजिए। तो यहाँ है आपका एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस सात एक्स क्यू डी एक्स प्लस नौ एक्स के पावर फोर डी एक्स। इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका, पावर में जितना है एक बढ़ा के उतना ही से भाग, एक्स के पावर थ्री बाई थ्री माइनस सेवन इंटू एक्स के पावर फोर बाई फोर प्लस नाइन इंटू एक्स के पावर चार है ना, एक बढ़ा दीजिए उतना ही से भाग, अब प्लस सी, थोड़ा सा सजा देंगे इसको तो आ जाएगा आपका वन बाई थ्री इंटू एक्स के पावर थ्री प्लस सॉरी माइनस सात बट्टा चार इंटू एक्स के पावर चार, और प्लस हो जाएगा आपका नाइन बाई फाइव इंटू एक्स के पावर फाइव प्लस सी। देख लीजिएगा, आसानी से इंटीग्रेशन बन गया आपका। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिएगा, सभी लोग दिए गए सवाल को नोट कर लीजिएगा, और एक दो क्वेश्चन जो आप लोग को खुद से बनाना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक दो क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं। क्वेश्चन आपका है x प्लस वन का होल क्यू, सॉरी वन प्लस एक्स के होल क्यू, और बटा में है आपका रूट अंडर एक्स इंटू डी एक्स, बटा में कितना है रूट अंडर एक्स इंटू डी एक्स। इसके बाद दूसरा आपका है फोर एक्स के पावर फोर प्लस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, दूसरा सवाल है एक्स के पावर फोर प्लस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, और बटा में है आपका रूट एक्स इंटू डी एक्स। ये दोनों सवाल आपको बनाना है, थोड़ा सा आप हिंट्स ले लीजिए हमसे। आपको बता दें कि सबसे पहले आपको क्या करना है, तो ए प्लस बी के होल क्यू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर करके, और जब बटा में रूट एक्स है इसका मतलब सबके बटा में रूट एक्स है, तो सबके बटा में रूट एक्स को लिख देना है। ठीक है, आधार समान है तो भाग में घात घट जाएगा, तो ये आपका जोड़ घटाव में बन जाएगा, अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। या तो बिल्कुल सिंपल है, फोर एक्स स्क्वायर के बटा में रूट एक्स
4x के पावर 4 के बटा में रूट एक्स, 5x² के बटा में रूट एक्स और 3 के बटा में रूट एक्स, ठीक है, बटा में रूट एक्स है यानी 1/2 है, सब में का घात घट जाएगा, भाग में घात घटता है ना, घट जाएगा, अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए है, आप इस दोनों क्वेश्चन को बनाएंगे, कल हम लोग शुरू करने वाले हैं इसका अगला जो कॉन्सेप्ट आने वाला है, यानी त्रिकोणमिति वाला हो गया आपका, या लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, इस पर बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।